केंद्र मंत्री तक मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। पहली बार आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम राजेश डिकॉस्टा है, मैं पश्चिम बंगाल से हूँ। जी अच्छा, आप पश्चिम बंगाल से हैं सर। सबसे पहला वहाँ पर एकदम मतलब जो राजनीति चल रही है जी, वो बहुत ही खराब राजनीति, आम आदमी लोग के लिए बहुत परेशानीदायक है जी। वहाँ पर जो ममता बनर्जी है जिसे कहा जाता मुख्यमंत्री, जो चप्पल में चलती है, दिखावा के लिए है, उसने इतना कांड करके रखा है, अपने नाम पे कुछ नहीं किया हुआ है, सब अपने भतीजे के नाम पे, भाई के नाम पे किया हुआ है। वो ऐसी महिला है जो दूसरी पार्टी को आने को, आगे आने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती है। वो जो बाबुल सुप्रियो के साथ में हुआ है, आप जो बोल रहे हैं कि पुलिस क्यों नहीं आई 5 घंटे, उसका कारण ममता बनर्जी है। अगर वो ऑर्डर नहीं देगी पुलिस वहाँ नहीं जाएगी, पुलिस भी लाचार है, क्यों तो वहाँ की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, उसने जैसा कहा वो वैसा ही करेगी, इसके आगे और क्या बोल सकते हैं। मगर कहने का मतलब ये है सर, वो कहते हैं हिटलर है मोदी, बीजेपी जो है वो गुंडा राज पार्टी है, तो पश्चिम बंगाल में, और अगर केंद्र मंत्री नहीं सेफ है तो जनता कहाँ से सेफ है? जनता सेफ है सर? देखिए मैं पहली बात पहले भी बोल चुका हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ कि जिस तरह से उसने बोली है कि मोदी जी हिटलर है, तो मोदी जी अगर हिटलर है तो पश्चिम बंगाल की वो कौन है? अगर मोदी जी हिटलर है तो वो कौन है? वो कौन सी लीडी है? मैं ये पूछना चाहता हूँ उससे कि वो क्यों ऐसे अपने मतलब पश्चिम बंगाल को इतना पीछा कर दिया है, क्यों उधर कोई उन्नति नहीं हो रही? तो विचारधारा की इतनी लड़ाई है सर कि मार पिटाई पर आ जाए मामला और पीटा जाए, जो आप हमारी विचारधारा नहीं मानेंगे, अहिंसा अहिंसा करते थे ना सर, तो अहिंसावादी हिंसा में लेफ्ट विंग तो हमेशा से अहिंसा अहिंसा चिल्ला रहा है ना, आज वो हिंसा पे उतारू हो चुका है सर। सब हर चीज का एक सीमा होती है, अगर सीमा पार हो जाए तो आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसका कुछ तो भी भड़ास निकालेगा। वही हाल हुआ जादवपुर यूनिवर्सिटी में। जी, जी, जी। अभी आम आदमी पैसा पेट काट काट के जोड़ जोड़ के अपने बच्चे को स्कूल में भेज रहा है, किस लिए भेज रहा है? ताकि अच्छे से उसको शिक्षा मिले, ताकि अच्छा उसका भविष्य हो। लेकिन वो ममता बनर्जी वो नहीं चाह रही, वो क्या चाह रही है कि सब लोग मेरे दबाव के नीचे रहे, कोई आगे नहीं बढ़े, सब मेरे पीछे रहे, ऐसा तो नहीं हो सकता। अच्छा सर, आप क्या सोचते हैं पश्चिम बंगाल की स्थिति? आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम अंकित है। अंकित जी, क्या सोचते हैं जी पश्चिम बंगाल में कल केंद्रीय मंत्री को पीटा गया है? देखिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है, एक केंद्रीय मंत्री को और के साथ छात्र संघ के बच्चों को इस तरह से पेश नहीं आना चाहिए था और दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन ऐसा नहीं है, बीजेपी और TMC के बीच राजनीतिक हिंसा लंबे दौर से चली आ रही है, आपने देखा इधर के भी लोग मर रहे हैं, उधर के भी लोग मर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। और इसकी कड़े शब्दों में निर्णय मैं करता हूँ। सवाल यही है पुलिस कहाँ थी 5 घंटे? कम समय नहीं होता सर, 5 घंटे तक पुलिस नहीं आती, बिल्कुल कपड़े फाड़ दिए। आपका जायज सवाल है, मंत्री जी के साथ इस तरह से व्यवहार नहीं होना चाहिए। लेकिन आप बोल रहे हैं पुलिस कहाँ थी, तो जम्मू कश्मीर में पुलिस कहाँ है? चीफ मिनिस्टर, पूर्व चीफ मिनिस्टर हाउस अरेस्ट कर दिए जा रहे, तो वहाँ पे कहाँ पुलिस है? आप चिल्ला रहे हैं शांति 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 है पूरे प्रदेश में, मीडिया में सिर्फ शांति है, वहाँ पता नहीं क्या हो रहा है। तो आप फिर केंद्र सरकार कह रहे हैं कि वो गलत किया गया कि नहीं, मैंने बोला पहले ही निंदा करी, मैंने कड़ी निंदा करता हूँ मंत्री जी के साथ। कश्मीर का कह रहे हैं, कश्मीर में गलत के साथ आप हमको दिखाओ ना रियल में हो क्या रहा है। मीडिया में तो शांति शांति दिखाई जा रही है, लेकिन वहाँ के जो चुने हुए नेता उनकी शक्ल नहीं दिखाई जा रही, वो उनको हाउस अरेस्ट कर लिया जा रहा है, उन पर पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट लगाया जा रहा है। जब शांति है तो काहे का पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट लगा रहे हो आप? चलिए आप सर क्या सोचते हैं, ये जो हुआ है कलकत्ता के अंदर, इधर सर थोड़ा आगे सकते हैं, जादवपुर यूनिवर्सिटी में जो हुआ है उसके ऊपर आपकी क्या? देखिए ये जो हुआ है ये तो पूरी तरह से बहुत ही गलत हुआ है। जहाँ जहाँ SFI या ममता बनर्जी के ऐसे गुंडे, उनके एक तरह से कहा जाए हैं, वो इस तरह की घटनाएं कर, शुभ नाम अवनीश राजपूत, चाहे केरल में देख लीजिए, केरल में भी वामपंथियों का कितना कहर रहा है, संघ और विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं को कितना बलिदान देना पड़ा है, वहाँ पे भी संघर्ष की स्थिति रही है। जादवपुर में भी समय समय पर ऐसे काम होते रहे हैं। ये टुकड़े टुकड़े गिरोह के ही कुछ ऐसे सदस्य हैं जो जादवपुर में हो चाहे JNU में हो, हर जगह इनकी छोटी छोटे गिरोह में ग्रुप में काम कर रहे हैं, इनको वन नाइट स्टैंड चर्चा में आने के लिए इस तरह के काम कर रहे हैं। और ये निहायत ही घटिया, कैंपस में इनका कुछ वर्क काम रहा नहीं है, 365 दिन सिर्फ राजनीति करते हैं। सर सवाल यही है सर, लोकतंत्र खतरे वाला गैंग कहाँ है सर? अगर ये स्थिति अगर UP में होती, अगर ABP ने करा होता, तो जो लेफ्ट विंग ने करा है वही कितनी शांति होती? वही कह रहे हैं ना, अब तक बवाल हो जाता। जहाँ भी भाजपा शासित सरकार है, अगर वहाँ इस तरह की कोई घटना होती है, विपक्ष एक स्वर में लोकतंत्र खतरे में है, ज्ञान अलापने लगता है, अवार्ड वापसी गिरोह सक्रिय हो जाता है। लेकिन कल की घटना के बाद कितने लोगों के बयान ट्विटर या सोशल मीडिया पे आपने देखा है, अवार्ड वापसी गिरोह जो है खान मार्केट है, उनके कितने बयान आए हैं इस
घटना को लेके एक मंत्री को 5 घंटे तक टॉर्चर किया जाता है, उनके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, कालर तक पकड़ा जाता है, लेकिन किसी जिम्मेदार व्यक्ति विपक्ष की भूमिका क्या रहती, ममता बनर्जी क्या भूमिका रहती, इससे आप तय कर सकते हैं कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में सरकार काम कर रही है इस विषय को लेके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप क्या सोचते हैं जो पश्चिम बंगाल में हुआ है वो निंदनीय है या सही है जो करा गया? ऐसा होता है जी, ऐसा है कि जो चीज गलत होती है ना वो सदैव ही गलत होती है, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे बंगाल में हो, ये जो चीजें गलत हो रही है ना वो गलत ही होंगी, उसे सही नहीं कहा जा सकता। केंद्रीय मंत्री ही नहीं सेफ है तो कौन सेफ है पश्चिम बंगाल में जी? पुलिस कहाँ थी 5 घंटों तक घेरा गया था केंद्रीय मंत्री को, पुलिस कहाँ थी? पुलिस एक्चुअली क्या है कि वहाँ का जो प्रशासक है जी, जो वहाँ का एक्चुअली क्या होता है, यदि आप यदि हम थोड़ा सा दूसरे शब्दों में टर्न में बात करें, जिस राज्य के जैसा सम्राट होगा उसी के हिसाब से वहाँ की जनता होगी। वहाँ का जो सम्राट यानी जो वहाँ की मुख्यमंत्री हैं उनका एक दूसरी तरह का सोच है, वो सांप्रदायिक तत्वों को थोड़ा सा बढ़ावा देती हैं, वो अपनी पॉलिटिकल वादी काम करती हैं, उनको सिर्फ अपने चुनाव से मतलब है, वह उन्हीं का समर्थन करती हैं जो एक पक्षी लोग हैं। पश्चिम बंगाल की स्थिति ऐसी है कि ममता जी मुस्लिम उग्रवाद का सहारा लेकर सत्ता में बनी रहना चाहती हैं, ये जो जो पाकिस्तान के गुण गाते हैं वो उनको संरक्षण देती है, और जो मतलब हिंदुओं की बात करता है और उसको जो है ना वो पैरों को तले दबाना चाहती है, वो हीरो बनना चाहती है क्योंकि उसकी जमीन खिसकती नजर आ रही है, और वो जो है ना वो अगली बार सत्ता में नहीं आने की इसको शुरू से पता चल गया है, इसलिए वो तरह तरह के हथकंडे अपना रही है सत्ता में बने रहने के लिए, और कुछ भी नहीं। लेफ्ट विंग तो शांति दूत था ना सर, पूरे देश में बोलता है कि हम शांति दूत है, तो इतना उग्र व्यवहार क्यों कर रहा है ये लेफ्ट, चाहे जेएनयू हो चाहे इनका बहुत स्वभाव है हाथी के दांत खाने के और दिखाने का, और ये मुंह से तो शांति शांति कहेंगे लेकिन अंदर ही अंदर भारत टुकड़े होंगे हजार इंशाल्लाह। ये उस टुकड़े गैंग के सदस्य हैं जिसकी फंडिंग चाइना से होती है, और चाइना CPIM को पैसे देता है, और CPIM इनको पैसे देती है, और ये पूरा चेन जो है ना ये है। तो